दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता इंडेक्स 350 और कई स्थानों में 400 से भी ज्यादा क्रॉस कर गया है। जानकारों के मुताबिक हवा में पाए जाने वाले जहरीले कण सांस के जरिए इंसान के अंदर प्रवेश करते हैं और फिर यही जहरीले प्रदूषित कण श्वसन संबंधी कई समस्याओं का कारण बनते हैं। दरअसल प्रदूषित कणों से इंसान के लंग्स में जाने वाली नली को नुकसान पहुंचता है, जिसके चलते नली पतली होती चली जाती है और इसका असर लंग्स और इसके आसपास की मांसपेशियों पर भी होता है। उच्च AQI के सबसे आम लक्षण जो देखे जा सकते हैं उनमें घासी होना, घर घराहट होना जिसमें सांस लेते समय तेज सीटी की आवाज आना, सांस फूलना, घुटन महसूस होना, छाती में तनाव होना, आंखों में जलन होना, पानी आना, गला सूखना, गले में खराश लगना, थकावट होना, सर भारी रहना, रात को सोने में दिक्कत होना, इसके साथ ही उच्च वायु प्रदूषण की स्थिति में ऐसे मरीज जो पहले से ही श्वसन तंत्र से जुड़ी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे COPD, अस्थमा, TB या दिल की किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, तो उनके लिए यह काफी चिंताजनक स्थिति है। वायु प्रदूषण शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, जिससे व्यक्ति संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। तो ऐसे में वे व्यक्ति जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, उन पर खराब वायु गुणवत्ता पहले से मौजूद स्थितियों को जटिल कर सकती है। ऐसे में आपको अगर लक्षण नजर आते हैं और आपको आराम नहीं आ रहा, तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर मरीज की कंडीशन देखकर टेस्ट आदि की सहायता से सही आकलन कर सकते हैं कि लक्षण का कारण खराब हवा है या कुछ और। अतः खुद से बीमारी का आकलन करना और खुद से दवा लेने से बचें। आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।